मुल्क की सालमियत है और वो रा के साथ उसके ताल्लुक निकल आए तो वो माफी नहीं है। अगर पंजाब पुलिस का किसी इश्तियारी से ताल्लुक निकल आए तो उसकी माफी हो जाती है। पंजाब पुलिस का किसी चोर से ताल्लुक निकल आए तो उसकी माफी हो जाती है। एक दो शीट्स लग के बस बात खत्म हो सकती है। लेकिन जितना बड़ा सास आदमी है, जितना बड़ा सास अदारा है, उस पोस्ट में बैठा अगर रा से ताल्लुक निकल आए तो माफी नहीं है। लोगों, दीन के बाकी मामलात अपनी जगह, वो अपनी मामलात में अपनी जगह ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जो हजूर की खत्म नबूत का नौकर है, अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर वही मर्जियों से ताल्लुक, ये मसला जान के, खत्म नबूत का मसला जान के और कादियानियों का फितना और जुल्म बर्बरियत जान के, अगर ये फिर कादियानियों की तरफ आ जाए और मायल हो जाए और ये उसकी फेवर में खड़ा हो जाए तो फिर पता क्या होता है? फिर सवाब कम नहीं होता, ईमान ही नहीं रहता। तो इस इतनी बड़ी सजा मिलती है। हमारे पास, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मार साहब किबला तहरीकी हवाले से हमारे बहुत सीनियर हैं, 40-45 साल हमसे सीनियर हैं। इनकी मुशाहदात, इनकी बातें सुन के और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमें 20 साल हो चले हैं, 18-20 साल, अब भी मुशाहदात हो मिले, तजर्बात मिले, तो वो हमें पता चला बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख़त्म नबूत की तरफ आ जाते हैं लेकिन ज़ाती मफादात की खातिर। मैंने कई लोगों को ऐसे आजमाया, देखा है, अपनी ज़ाती लड़ाई हो तो वो छोड़ देते हैं और फिर मर्ज़ियों से तल्लक। हमारे साथ कुछ ज़ाती मामला बन गया ना तो उन्होंने छोड़ दिया ताल्लुक, फिर मर्ज़ियों से जोड़ लिया। किसी ने पूछा, जनाब आप मर्ज़ियों से ताल्लुक जोड़ लिया? कहने लगा, जनाब वो बदी जुमा से हमारी लड़ाई हो गई थी तो इसलिए हमने फिर उसको बताने के लिए हमने मर्ज़ियों से फिर यराना लगा लिया। अब ये सवाल और ये जवाब सुन के ज़रा आप कुछ चीज़ें हासिल करना है इसमें से। तो मैंने कहा, यार इससे बदी जुमान का नुकसान क्या है? इसका मतलब है उन्होंने ख़त्म नबूवत का पैगाम हुजूर के लिए हासिल ही नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ या किसी और आदमी के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए उस तहरीक का हिस्सा बना था। जब उस बंदे से नाराजगी हो गई तो फिर वापस मर्ज़ियों से। यह है दोगलापन, ये है दजल, ये है फ्रेब, ये है मुनाफिकत। अरे जब हुजूर के लिए है तो बंदे सारे साथ छोड़ जाएं या सारे साथ मिल जाएं। जब बात समझ आ गई है कि कादियानी काफिर है, कादियानी मुर्तद है, कादियानी हुजूर का उस्ताक है, तो फिर उससे दोबारा ताल्लुक का सोचना भी कुफर है। एक तो है जिसको समझ ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो तो ठीक है, तो जिसको समझ आ गई, पता चल गया, बस ये हमारी तंजीम टूट गई, हमने उस तंजीम के साथ जुड़ गए, इस तंजीम के, ये तंजीमों की लड़ाइयाँ, ये लोगों के साथ ऐसे रवैये, इससे जो ख़त्म नबूवत का काम छोड़ देता है या ख़त्म नबूवत की तहरीक छोड़ कर उल्टा मर्ज़ियों के साथ जुड़ जाता है ना, याद रखें वो किसी से कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपने ईमान के तबाहकारी का सबब बन जाता है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं लेकिन मैं आज चाह रहा हूँ इब्तदा, यहाँ बैठे बैठे आपका माहौल देखा तो गुफ्तगू तकरीरें तो होती रहती हैं, मैं वाकयात सुनाऊँगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा और अहदीस सुनाऊँगा, सुबहानल्ला दाद देंगे, ईमान ताज़ा होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज बड़ी ना एक नशिस्त सी बनी हुई है, अगर इस नशिस्त को इब्तदान मैंने आपका अपना मिजाज और जहन मिलाने के लिए मैंने कुछ फ़ज़ाइल पर मबनी दो चार बातें अर्ज़ कर दी हैं। आप तमाम ख़त्म नबूवत के डेडिकेटेड मुजाहिद हो, बड़े पढ़े लिखे बैठे हो, आप कोई सवाल करना चाहो आपको इजाज़त है, आप सवाल करें खड़े होके, लेकिन ख़त्म नबूवत और मिर्ज़ियत के मुतालिक। पहला सवाल मैं करूँ।